मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम एक नया स्मार्टफोन लेते हैं, या हम चाहे हाई लेवल का, प्रीमियम लेवल का लें या मिड रेंज का स्मार्टफोन लें, कुछ टाइम बाद जो है दोस्तों वो स्लो होने लगता है, उसका प्रोसेसर स्लो होने लगता है। इसका रीज़न क्या है? आप लोग काफ़ी सारे काम करते हैं, बहुत सारे क्लीनर्स वगैरह ऐप डाल कर रखते हैं ताकि डेटा क्लीन होता रहे, कोई भी गार्बेज स्टोरेज ना बने। इन सब के लिए आज हम क्या कुछ टेक्निक्स को अपना सकते हैं जिनसे कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन की स्पीड को बूस्टअप मिल सकता है और आपके एंड्रॉयड फ़ोन की स्पीड जो है काफ़ी बेहतर हो सकती है। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को आपके फ़ोन का जो है इंटरनल स्टोरेज, हम कह सकते हैं रैम, और जो हमारे इंटरनल स्टोरेज में आते हैं स्पेस, उसको जो है आपको उसका खास ख्याल रखना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रैम दिख रही है, और रैम दिखने के बाद आपको दिख रहा है कि टोटल 6 GB रैम है और अभी भी अवेलेबल लगभग 3 GB के आसपास है, विच मीन्स कि अब ये फ़ोन जो है बिल्कुल हैंग नहीं होगा और बड़ा स्मूथली चलेगा, क्योंकि एप्लीकेशंस सिर्फ उतने ही डाले जाएँ जितने एप्लीकेशंस आपके काम के हैं, जिन एप्लीकेशंस को आप चलाते हैं, इससे आपका रैम मैनेजमेंट जो है प्रॉपर बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप नीचे देख रहे हैं अवेलेबल स्पेस 128 GB टोटल है, अभी 60 GB के करीब बचा हुआ है। आप क्लीनअप स्टोरेज स्पेस के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखिए सर्च करके बताता है, ये जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट हम कह सकते हैं क्लीनर होता है। आप यहां देख रहे होंगे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, रेयरली यूज्ड ऐप, आपका एंड्रॉयड फ़ोन ये बता रहा है कि आप बहुत कम ऐसा कौन से ऐप्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, उन्हें आप हटा भी सकते हैं। यहां देखिए दिख रहा है कि 60 दिनों से आपने इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं किया है, नीचे जो एप्लीकेशंस हैं इनका इस्तेमाल आपने 30 दिनों से नहीं किया है। तो ये आपको बताता है मेमोरी को फास्ट करने के तरीके, ताकि आप इन एप्लीकेशंस को यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें और आपका फ़ोन जो है स्पीड अप हो सके। इसके बाद ही दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपके अनयूज्ड ऐप हैं, जैसे आप ये देख ही पा रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है कि 60 दिनों से ज़्यादा, 30 दिनों से ज़्यादा इन एप्लीकेशंस को चलाया नहीं है, और काफ़ी बड़ी बड़ी ये एप्लीकेशंस हैं, तो आप उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल दोस्तों अभी ना करें या उन्हें अनइंस्टॉल कर दें। जिन एप्लीकेशंस को आप जो है 3-4 महीने में एक बार या साल में 1 या 2 बार यूज़ करते हैं, आप जो हर दिन यूज़ करते हैं या हर दूसरे दिन यूज़ करते हैं, सिर्फ उन एप्लीकेशंस को ही आप रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं एक बताना चाहूँगा, आप लोगों ने देखा होगा जो सबसे बड़ी दो चीज़ें आजकल चल रही हैं, एक हो गया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इनका भी जो है दोस्तों जो डेटा आता है, जो हिडन डेटा, जैसे हम बहुत सारे वीडियोस हमें सेंड होते हैं, चाहे वो ग्रुप पर हो चाहे इंडिविजुअल पर हो, और हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि जब गैलरी में वो फोल्डर बनाकर सेव होते हैं तो हम उन वीडियोस को काफ़ी दिनों तक हटाते नहीं हैं, उन GIF इमेजेस को नहीं हटाते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ऐसे में होता क्या है कि आपका जो डेटा है पीछे बैकग्राउंड में मेमोरी में चल रहा होता है, और इस कारण से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। तो आपको उस डेटा को गैलरी में जाकर जो है क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों के फ़ोन में गैलरी होती है, गैलरी का जो बहुत सारा डेटा होता है जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों जो है आप क्लाउड पर लेकर जाइए, मतलब आप गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव एक बहुत बेहतर ऑप्शन है जो गूगल आपको प्रोवाइड कराता है। आप गूगल ड्राइव में जाने के बाद जो है फोल्डर्स बनाकर, और 15 GB तक तो फ्री लिए, और इसके बाद अगर आप प्रीमियम पेड अकाउंट करते हैं तो आप सारा डेटा अपना ड्राइव में रखिए, और अपनी गैलरी को सिर्फ उतना ही रखिए जितना आपको ज़रूरत है। इससे भी दोस्तों आपका फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आजकल के फ़ोन्स में तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी आने लगी है इनबिल्ट, लेकिन अगर आप कोई SD कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो माइक्रो SD कार्ड होते हैं, वो 100-150-200 रुपए के बहुत सारे GB के आजकल आने लगे हैं, पहले एक ज़माने में बड़े महंगे आते थे, तो दोस्तों आपको करना क्या है कि वो भी आपको SD कार्ड कौन सा लेना है, आपको लेना है फास्ट SD कार्ड, वो यहाँ पर लगता है, और आपको जो फास्ट प्रोसेसिंग वाला SD कार्ड है उस SD कार्ड का आप इस्तेमाल करें।
नेक्स्ट दोस्तों, अगर ये सब काम करने के बाद भी आपकी बात नहीं बनती है तो आपको कुछ और काम करने हैं। जैसे कि आप ये मेरी होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये गूगल सर्च है, ये घड़ी चल रही है, यहाँ पर ये आपको समय दिखाया जा रहा है। तो आप इस जो है ये शॉर्टकट जो विजगिट्स होते हैं, इन्हें आप जो है यहाँ से हटा दें। इन्हें हटाने का दोस्तों फ़ायदा क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चल रही होती है और बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हो रही होती है, ये सारा डिवाइस आपका ले रहा होता है और इससे भी आपकी स्पीड जो है दोस्तों काफ़ी हद तक बहुत स्लो हो जाती है। मेन एक और ऑप्शन है दोस्तों जो कि हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम कितने ज़्यादा एप्लीकेशन चला रहे हैं ये हम भी नहीं जानते हैं। आजकल हर मोबाइल में एवरेजन 50-60-70 जो है एप्लीकेशन होते हैं, तो आपको दोस्तों हफ्ते में एक या दो बार, या मैं तो कहता हूँ कम से कम 4 या 5 बार आपको जो है अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, काफ़ी सारी जो टेम्प्रेरी फाइल्स, पेंडिंग फाइल्स पीछे बैकग्राउंड में पड़ी होती हैं, प्रोसेसिंग में चल रही होती हैं, वो दोबारा से रिबूट होने के बाद जो है अपनी प्लेसेस पर आ जाती हैं और उससे भी आपका जो है सिस्टम सही तरीके से वर्क कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप लोगों ने और मैंने भी देखा है बहुत लोगों के उसमें जो है ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो क्लीनर ऐप्स का काम करते हैं और ये आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे फ़ोन को क्लीन कर देंगे, इनसे जो है हमारा एंटीवायरस की तरह काम करेगा, डेटा भी सेफ़ रहेगा। तो दोस्तों ये किसी भी काम के एप्लीकेशंस नहीं हैं। इन एप्लीकेशंस से बेहतर तो आपका खुद का बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड है, जो भी आप चलाते हैं एंड्रॉयड 9 या एंड्रॉयड 10, वह भी काफ़ी हद तक जो है आपके सिस्टम को सेव कर जो है अच्छे तरीके से रख सकता है। एक मेन बात और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक आप देख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, आप ऐसे जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं आप उनकी प्लेस पर दोस्तों लाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक का ही है, आप फेसबुक का लाइट यूज़ कर सकते हैं, आप ट्विटर का लाइट यूज़ कर सकते हैं, आप जो है ऐसे जितने भी लाइट चल रहे हैं बड़े बड़े एप्लीकेशंस के, उनको यूज़ कीजिए। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा रैम वाला नहीं है तो आपके इनके जो है लाइट वर्जन्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, और जो एक बहुत बड़ी जड़ है आपके फ़ोन को स्लो करने की, वो मैं आपको बताता हूँ। आजकल होता क्या है, बहुत सारी कंपनीज के मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं और जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो हमें जो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो समझ में नहीं आती है उसकी स्क्रीन, तो हम उसे कुछ डायनामिक बनाने के लिए लॉन्चर्स का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लॉन्चर्स बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस के थ्रू आते हैं और वो एप्लीकेशंस इतनी बड़ी होती हैं, पहले हम उनके डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल डाउनलोड करने के बाद हम उसका यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड प्रोसेस में लॉन्चर्स बहुत ज़्यादा डेटा लेते हैं और इससे भी आपका फ़ोन जो है दोस्तों स्लो हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो हमारी यूथ जनरेशन है और भी जो हम कह सकते हैं फ़ोन यूज़ करने वाले लोग, वह अक्सर करते क्या हैं, वह जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों वो बड़े ही अजीबोगरीब टाइप का होता है, ना जाना कौन से कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगा, आप गूगल बोर्ड जो कह सकते हैं, गूगल का ही कीबोर्ड है, उसको यूज़ करें, वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप स्पेशल टाइप के कीबोर्ड्स का यूज़ करेंगे दोस्तों तो वह भी बैकग्राउंड में जो है आपके डेटा को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं और आपका फ़ोन जो है दोस्तों उस कारण से स्लो हो जाता है। और एक दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा लास्ट जो मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो ऐसे में जाने के बाद जो है दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने फ़ोन को जो है एक बार पूरा रीसेट मार देना चाहिए। और अगर आप अपने फ़ोन को बहुत लंबे समय तक चला रहे हैं तो आप जो आपका स्लो फ़ोन है उसको आप हर 4 या 5 महीने में 8 महीने में रीसेट मारें। रीसेट मारने से पहले आप अपने कीमती डेटा को जो है कहीं संभाल कर रखें, कहीं उनका बैकअप बना कर रखें, और रीसेट मारने के बाद आप सिर्फ उन एप्लीकेशंस का दोस्तों इस्तेमाल करें जिन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये टिक्स और ये जो टेक्निक्स हैं अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से ही मुझे बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।